उसके एक इशारे पर किसी का भी कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं। इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। वारदात के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो 60 लाख से ज्यादा के हथियार रखता है, जिसकी गैंग में 600 से ज्यादा शूटर हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी का भी कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं। उस लॉरेंस बिश्नोई की बात जिसको चाहे जब चाहे मरवा देता है और पुलिस और प्रशासन बस देखते रह जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह और आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि 31 साल का है, कल शाम हुई पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या। राजस्थान और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक वीके भवरा ने बकायदा पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का सीधे सीधे नाम ले दिया है। हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कनाडा में बैठे गैंगस्टर लकी उर्फ गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि ये दो गैंग के टकराव का मामला है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ही जेल में बंद रहने के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से फोन के जरिए ही कनाडा में बैठे अपने साथी गैंगस्टर लकी और गोल्डी बराड से बात की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा प्लान बनाया गया था। वहीं आज आपको बता दें कि कैसे पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा आखिर कैसे 3 राज्यों में खौफ का दूसरा नाम बन गया। लॉरेंस पंजाब के फाजिलका जिले का रहने वाला है। फाजिलका राजस्थान से सटा हुआ है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई का नाम तेजी से छात्र राजनीति में उभरा था, लेकिन वो छात्र संघ का चुनाव हार गया। इसके बाद धीरे धीरे लॉरेंस छात्र राजनीति में बढ़ते हुए अपना दबदबा बना रहा था कि फरवरी 2011 में उसकी पंजाब में दविंदर बम्बीहा ग्रुप से गैंगवार की खबरें सामने आने लग गई थी, जिसकी वजह से बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था। भगवानपुरी देश का सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता है, फिलहाल वो भी जेल में बंद है। वहीं वक्त के साथ रिवॉल्वर रानी के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और काला जठेड़ी जैसे कुख्यात नाम भी लॉरेंस की गैंग में शामिल हो गए। जैसे जैसे ये गैंग आर्थिक तौर पर मजबूत होता गया, इसने देश भर में अपने 600 से ज्यादा शार्प शूटर तैयार कर लिए। वहीं कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर के ड्रग्स ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी से भी हैं। मुल्तान मेक्सिको के ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है। लॉरेंस के रिश्ते यूके में रहने वाले मोंटी से भी माने जाते हैं। ये सभी अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पर हाल फिलहाल में चल रहे केसों की अगर बात करें तो तकरीबन 50 केस लॉरेंस के नाम पर दर्ज हैं। वहीं पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक वीके भवरा भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का हाथ है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश काफी लंबे समय से चल रही थी। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े यूथ अकाली नेता विक्रम सिंह और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगन प्रतीक सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में विक्की मिदुखेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था, जिसको उसकी गैंग ने कल अंजाम भी दे दिया और गैंग वॉर में प्रसिद्ध गायक की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और इससे पता चलता है कि जेल में बंद रहने के बावजूद भी वो किस तरीके से देश के कई अलग अलग राज्यों में अपना साम्राज्य चला रहा है। अब देखना ये होगा कि इस केस में, इस हत्याकांड में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं। आज के लिए इस वारदात में इतना ही, और भी ऐसे ही मुद्दों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।